नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं। जब बात भोजपुरी की आती है तो भोजपुरी एक अच्छी भाषा है, लेकिन जब बात भोजपुरी फिल्मों और भोजपुरी गानों की आती है तो किस प्रकार से ये अश्लीलता की फैक्ट्री बन गई है, अश्लीलता का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। ये तमाम चीजें अब किसी से छुपी हुई नहीं है। समय समय पर भोजपुरी इंडस्ट्री पर छीछा लेदर होते ही रहता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए नजर तो आते ही रहते हैं, लेकिन बात अब इससे आगे निकल गई है। हम बात कर रहे हैं कभी पवन सिंह और बात करें तो रितेश पांडे जैसे कलाकारों के साथ एल्बम में काम कर चुके, कई फिल्मों में काम कर चुकी जो भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्री हैं, त्रिशाकर मधु, उनकी बात हो रही है। दरअसल उनका एक प्राइवेट वीडियो, सही समझ रहे हैं आप, एमएमएस की बात कर रहे हैं, वो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जो देखते ही देखते हर जगह सबके फोन तक पहुंच गया था और जिसकी खोज में लगातार लोग इतना सर्च कर रहे हैं कि जैसे ही आप फेसबुक पर त्रिशाकर मधु टाइप करते हैं तो फेसबुक ऑटो सजेस्ट करके लिखता है पॉपुलर नाउ, यानी कि इतना पॉपुलर आपने कर दिया उस वीडियो को सर्च कर करके। तो आप बताते हैं कि त्रिशाकर मधु इस पूरे मामले के बाद खुल करके सामने आ रही हैं और वीडियो रिलीज कर करके अपनी बातों को रख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस वीडियो की बात हो रही है उसमें जब वे खुद कह रही हैं कि वीडियो को हमने ही शूट किया है, दरअसल उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से ही लिखा है कि इस वीडियो को मैंने ही शूट किया था और उस कमरे में उनके उन दो लोगों के अलावा और कोई नहीं था, तो ये वीडियो लीक कौन किया, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने पहचाने कई ऐसे दिग्गज हीरो हैं, अभिनेता हैं और जो भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक हैं, उन तक ये तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि त्रिशाकर मधु ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पे कहा है कि हमारे पास सभी लोगों का सबूत है और कौन क्या करते हैं इसकी भी जानकारी है, अगर हम अपना मुंह खोल दिए तो सब कुछ उजागर हो जाएगा, तो अच्छा यही होगा कि आप सभी लोग वीडियो डिलीट कर दीजिए। इसके साथ ही त्रिशाकर मधु जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये जो हमारी जब तक चुप्पी है तभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री की जो साख है वो बची हुई है। ये बात त्रिशाकर मधु जी कह रही हैं जो भोजपुरी की अभिनेत्री हैं और जिनका एमएमएस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। लेकिन इसके बाद लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और कमेंट में जा करके उनसे पूछ रहे हैं कि जब आप उस कमरे में थे तो फिर ये वीडियो वायरल कैसे हो गया, आखिर किसने इस वीडियो को वायरल किया। त्रिशाकर मधु जी सीधे तौर पर कह रही हैं कि हम उनका नाम जानते हैं कि ये वीडियो किसने वायरल किया, लेकिन हम इस मामले पर अब बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम अगर काम धाम छोड़कर इस मुद्दे पर बात करेंगे तो यहीं अटक के रह जाएंगे। बहरहाल जो कुछ भी बात हो, त्रिशाकर मधु जी जो कुछ भी सफाई दे रही हो, लेकिन ये बात तो अब स्थापित हो गई कि भोजपुरी के कलाकारों ने भोजपुरी भाषा का क्या हश्र करके छोड़ा है और भोजपुरी की क्या पहचान ये लोग बना रहे हैं, ये बात अब जग जाहिर हो रही है। खैर, त्रिशाकर मधु जी की बात कह लीजिए तो वो सीधे तौर पर और भी वीडियोज रिलीज कर रही है और वीडियो में आकर के सीधे तौर पर कह रही हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और ये धोखा हमने जिनसे प्यार किया था उन्होंने ही दिया है। अब देखिए बहुत सारी बातें हैं, आपको क्या लगता है, आप पूरे मामले पर कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो देख लिया तो जो होता है शेयर करने की, शेयर करके अन्यों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।